और आज हम सीखेंगे एरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2। सो 15.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही इजी है। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। सो हमें डायगोनल्स की लेंथ दी गई है, बताया गया है कि एक डायगोनल जो है वो 15 सेंटीमीटर का है तो दूसरा 24 सेंटीमीटर का है। 24 यहां से लेके यहां तक और 15 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक डायगोनल हम इसको ही बोलते हैं जो वर्टेक्स से जॉइन होते हैं। ओके, सो हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ अ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ ऑफ डायगोनल। जिसका मतलब होता है d1 मल्टीप्लाई बाय d2, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 इंटू d2, ये हमारा फॉर्मूला है। सो डायगोनल 1 की जगह डायगोनल 1 लिखेंगे। ओके, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं d1 इक्वल टू 15 और d2 इक्वल टू 24। सो हमें हाफ इंटू d1 का वैल्यू हमारे पास 15 है, सो d1 की जगह 15 लिखेंगे और डायगोनल 2 की जगह हमारे पास 24 है। सो 2 के टेबल से अगर 15 डिवाइड होता है तो 15 डिवाइड कर सकते हैं और या तो फिर 24, या तो यहाँ पे 7.5 लेके फिर मल्टीप्लाई कर दो या तो 2 को डिवाइड कर दो 24 से, तो 2 1 2 1 और ये 2 2। सो हमारे पास ये 1 बचा है, ये 15 और ये 12, तो 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 इंटू 12 हमें करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गेट सेम नंबर। सो 15 2 जा 30, 0 इधर 3 कैरी, 15 1 जा 15, 15 प्लस 3 18, सो 180 हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और बार ऊपर से देखते हैं, हमें डायगोनल 1 डायगोनल 2 दिया हुआ है 15 और 24 और हमें फाइंड करने के लिए बोला है एरिया। सो ये रहा एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला और डायगोनल 1 डायगोनल 2 की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट करके 2 से डिवाइड किया, 2 1 2 2 2 4 12 15 180। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया। अब हम देखते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी बट इजी, सेम वैसे ही है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16.5, सो डायगोनल 1 16.5 दिया है एंड डायगोनल 2 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सो लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस दिया, तो रोम्बस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ अ लेंथ ऑफ इट डायगोनल। ओके, और जिसका मतलब होता है d1 मल्टीप्लाई बाय d2। सो लेट अस टेक डायगोनल 1 हमें जो दिया है उसको हम लोग 16.5 ऐसा ले लेते हैं और दूसरा वाला 14.2 दिया हुआ है, सो ये ऐसा, सो 16.5 मल्टीप्लाई बाय 14.2 जो हमें क्वेश्चन में डायगोनल 1 दिया था, हम लोगों ने 16.5 रिप्लेस किया डायगोनल 1 को और डायगोनल 2 जो दिया है 14.2 वो भी रिप्लेस किया। 2 के टेबल से या तो इसको कट कर दो या तो इसको कट कर दो, जो आपको इजी लगे। 2 1 2 7 14, ओके, और ये 2 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट हमें आ गया है 16.5 मल्टीप्लाई बाय 14.2। तो चलो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 16.7.1 आया, सॉरी डिवाइड करा हम लोग ने, 2 से डिवाइड करने के बाद में 7.1 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7.1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट सेम नंबर, 7 5 35, सो 5 यहाँ पे होगा और 3 कैरी। ओके, 7 6 42, 42 प्लस 3 45,
4 carry 7 on the 7, 7 plus 4, 11, 5, 6 और 5, 11, 1 carry, 5, 6 और 1, 7, और ये 11 का 11, अब हमें आ गया है 11715, so point के आगे 1 digit, point के आगे 1 digit, तो यहाँ पे point के आगे 2 digit आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग 2 नंबर के पहले यहाँ पे point ले लेंगे, तो 117.15, ओके बस यहाँ पे पॉइंट का डिफरेंस था, बाकी तो क्वेश्चन तो इसके पहले वाला जैसा था, उसी तरीके से हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 उतना ही इजी है, बट थोड़ा सा हमें उसको मॉडिफाई करके फाइंड करना पड़ेगा। तो हैव अ लुक। इफ द पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 cm and the length of one diagonal is 48 cm. What is the area of quadrilateral? So question के अंदर बोला गया है perimeter of a rhombus is 100, मतलब ये 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 और हम ये plus करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 100 cm और हमें दिया गया है length of a one diagonal, मतलब एक diagonal की हमें length दी गई है 48 और हमारे पास सेकंड डायगनल तो है ही नहीं, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सो एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेकंड डायगनल चाहिए रहेगी, जो कि हमें मिलेगी पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस से। सो पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो पैरामीटर ऑफ रोम्बस, पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो 4 एज इट इज, ओके 4 मल्टीप्लाई बाय साइड एज इट इज, रोम्बस का फॉर्मूला है हमारे पास, ओके पैरामीटर का, तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस का वैल्यू हमने पुट कर दिया, हम s को ऐसे ही रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, ओके 100 से डिवाइड होके आंसर मिल जाएगा हमें 25। सो साइड हमें मिल गई है 25, मतलब हर एक साइड 25 हो गई, ये भी ये भी ये भी ये भी। अच्छा क्यों 25 हुई है? क्यों? क्योंकि सबकी साइड सेम होती है रोम्बस में, ओके अभी हमें ये 48 दिया गया है तो हम ये फाइंड करेंगे दूसरा, ओके सो हमारे पास ये 48 है, 48 का आधा ये 24 होगा, कैसे हम लोग नाम ले लेते हैं ए बी सी और ए डी, ओके और यहां पे ओ, सो ए ओ इज द हाफ ऑफ ए सी, ओके ए ओ इज द हाफ ऑफ ए सी, व्हाई? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होंगे, वो इक्वल पार्ट में कटे होंगे, तो हाफ ऑफ एसी, एसी का वैल्यू है 48 का आधा हो जाएगा 24, सो एओ का वैल्यू हो गया 24। अब हमारे पास ये 24 है और ये हमारे पास 25 है और ये हमारा कितना है 90, तो 90 के सामने वाला क्या होता है hypotenuse, तो इस तरीके से आपको लिंक करना है टू फाइंड द डायगोनल टू, ओके सो हमारे पास ये AO का वैल्यू 24 है और ये हमारे पास 25 है और डायगोनल के अंदर जहां पे इंटरसेक्शन होता है, ओके सो ये बाइसेक्ट करते इक्वल पार्ट में, इसलिए ये कितने हो जाते हैं एंगल 90, ओके सो 90 के सामने वाला हमेशा होगा हाइपोटेनियस, ओके सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस थ्योरम, ओके सो हाइपो हमारे पास है 25, ये हमारे पास हाइपो, ये हो जाएगा साइड 1 और साइड 2 हमें फाइंड करना है, सो 25 हमारा हाइपो और ये हो गया साइड 1 24, ये साइड 2 हमें फाइंड करना है, अगर साइड 2 मिल जाएगा तो क्या होगा,
साइड टू को डबल कर दो तो आपको मिल जाएगा सेकंड डायगनल, और अगर सेकंड डायगनल मिल गया तो हम लोग इजीली फाइंड करते हैं एरिया ऑफ अ रोम्बस। सो लेट अस फाइंड द साइड टू। सो 25 हमें दिया है, साइड वन हमें दिया है 24, और साइड टू हमें नहीं पता। 25 × 25 = 625, 24 × 24 = 576, साइड टू हमें नहीं पता है। सो प्लस 576 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 576। तो 625 में से 576 चला गया तो कितना बच जाएगा, 49। ओके, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। सो साइड टू हमें कितनी मिल जाएगी, 7। अब ये हमारे पास 7 है तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा उसका डबल। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट करते इक्वल पार्ट में। सो ये 7 है तो ये भी 7 होगा और पूरा कितना हो जाएगा, 14। सो हैव अ लुक कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग ने यहां पे लिखा था। ओके, सेम वहां पे भी वही चीजें लिखना है हमें। ओके, BO is half of BD. क्या लिखेंगे, diagonal of rhombus bisect each other. So हमारे पास BO का वैल्यू है 7 और ये हाफ का हाफ, BD का BD. So BD as it is. ये 2 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई 7 × 2 = 14, बीडी का वैल्यू आ गया हमारे पास 14। अब हमें फाइंड करना है, ये 7 है तो ये टोटल हो गया 14 और ये हमारे पास टोटल है 48। लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगनल 2। ओके, पूरा लिखना पहले, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल, उसके बाद में ये लिखना। ओके, डायगनल 1 है ए से लेके सी तक के और डायगनल 2 है बी से लेके पूरा डी तक के। हाफ इनटू एसी का वैल्यू हमें दिया गया ए से लेके सी तक के 48 और बी से लेके डी तक के हमें दिया गया है 29। 7 + 7 हमने फाइंड किया, बीडी 14, सो 14 लिखेंगे। 2 × 1 = 2, 7 × 14, सो 48 × 7, सो 48 × 7, 7 × 56, 5 = 7, 4 = 28, 28 + 5 = 33, सो 336 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार हम लोग गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमें पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस दिया था तो पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस से हमने साइड फाइंड करी। पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस का वैल्यू है 100, तो 100 पुट अप किया है 4 × s, s फिल में एज इट इज 4 डिवाइड में गया, आंसर आ गया 25। अब हमने ये 25 लिखा है यहाँ पर और हमारे पास ये दिया है पूरा 48, तो हमारे पास आधा नहीं था इसलिए हम लोग ने AO is a half of AC लिया है। So AO is a half of AC में हमें AO का वैल्यू मिल गया 24। अब हमने क्या किया, ये 24 और ये 25 से फाइंड किया कि ट्राइंगल की तीसरी वैल्यू कितनी होगी। So पाइथागोरस से हमें ये वैल्यू मिल गया 7, पाइथागोरस तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, 7 ये है और 7 के बाद में ये भी 7 होगा तो टोटल मिल गया 14। तो ये डायगनल 1 और ये डायगनल 2 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो डायगनल 1 और डायगनल 2 के बाद में आपको कैसे फाइंड करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरा सम समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद का सम जो लगभग इसी सम की तरह है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट सम है और इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा दिया है क्वेश्चन नंबर
थ्री की तरह। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें पैरामीटर दिया था और हमें एरिया फाइंड करना था, बट अभी हमें एरिया दिया है और अब हम पैरामीटर फाइंड करेंगे। सो एरिया हमें 240 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। सो एरिया ऑफ अ रोम्बस से हम लोग डायगोनल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस हमारे पास है हाफ इंटू डी वन मल्टीप्लाई बाय डी टू, वहीं पे लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। हाफ इंटू डी वन मल्टीप्लाई बाय डी टू, क्योंकि एरिया ऑफ अ रोम्बस 240 दिया है तो हम लोग इसके नीचे 240 लेंगे, हाफ का हाफ। और डायगोनल वन हमें दिया है 30, डायगोनल टू हमें नहीं दिया है। सो डायगोनल टू हमें फाइंड करना है। टू वन जा टू, 15 जा होता है 30, 1 इंटू 15 15, डी टू एज इट इज 240 का 240। यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ अ रोम्बस होता है डी वन मल्टीप्लाई बाय डी टू इंटू हाफ। सो हाफ का हाफ हो गया, डी वन का 30 हो गया, डी टू का नहीं पता। एरिया ऑफ अ रोम्बस 240 दिया था, 2 से ये कैंसिलेशन होके हमारा आंसर 15 आया। 15 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड, 3 का टेबल आता है, यस। तो 3 5 जा 15 हो गया, 3 8 जा 24, और ये 0 का कैंसिल कर दिए 0, 5 1 जा 5 16 जा होता है 18। तो ऐसे डिवाइड करके देख लो अगर नहीं आता है तो आपको। सो डी टू का हम लोग को वैल्यू आ जाएगा 16। ओके एक और बार बता दो, देखो 240 है, 15 वन जा 15 माइनस किया, 24 में से 15 चला गया, सो हमारे पास 9 आ गया, ये 0, और 15 के टेबल में 90 कब आता है, तो 15 6 जा 90, तो 90 आ गया हमें। ये फाइनल आंसर हमें मिल गया 16। सो डायगोनल 1 हमें दिया है 30 और डायगोनल 2 हमें दिया है 30 और डायगोनल 2 हमें दिया है 16। सो ये जो 30 है, 30 का हाफ आप लीजिए तो ये यहाँ पे आपको 15 मिल जाएगा, और 16 का हाफ लीजिए तो यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा। तो इससे हम लोग फाइंड करेंगे साइड, ओके। सो हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी, और ये हो गया ओ बीच में। सो ए ओ इज अ हाफ ऑफ ए सी, ए ओ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ओके। सो हाफ ऑफ ए सी, ए सी का वैल्यू हमारे पास है ए से लेके सी तक के 30 दिया है, तो 30 का हाफ हो गया 15। सिमिलरली सिमिलरली हमारे पास दिया है बी ओ टू, बी से लेके सी तक के, बी से लेके सॉरी डी तक के दिया है 16, पूरा दिया है हमें 16 यहां से लेके यहां तक है, उसका हाफ होगा BO इज अ हाफ ऑफ BD। तो हाफ ऑफ BD का वैल्यू है 16, तो 16 का हाफ होता है 8, और दोनों के अंदर हम लोग रीजन लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 15, और ये पूरा 16 था उसका हाफ हमारे पास आ गया 8, और ये 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। तो आप समझ गए होंगे आपको पाइथागोरस जो है करना है, ओके। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और ये साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, हम लोग रिमेनिंग टू साइड्स को ले लेंगे, ये साइड वन ये साइड टू, और हाइपो हमारे जो है साइड एंड रोम्बस की जो हमें फाइंड करना है। हाइपो हमारे पास दिया है, इसके लिए एच ही लिखेंगे। साइड वन हमारे पास 15 है, साइड टू हमारे पास दिया गया है 8, तो हम 8 लेंगे। 15 15 जा 225, 8 8 जा 64,
अब हम लोग इसको प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, 2 का 2 स्क्वायर सेट जाएगा तो रूट 289 किसका वैल्यू है, 17 का स्क्वायर है, सो h हमें मिल गया 17, तो सारी साइड कितनी हो जाएगी 17। अब हमें पूछा था कि पैरामीटर क्या होगा, तो पैरामीटर क्या होगा हमारे पास, रोम्बस का पैरामीटर ऑफ रोम्बस, पैरामीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। इसके लिए हम लोगों को इतना पापड़ बेलना पड़ा, क्या साइड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पहले डायगोनल 2 फाइंड किया, डायगोनल 2 से दोनों का हाफ किया तो हमें मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड वाला साइड। ओके, साइड का वैल्यू है हमारे पास 17। ओके, सो 17 फोर्सा कितना होता है 68, 7 फोर्सा 28, 2 कैरी, 4 वनसा 4, 4 प्लस 2 6, तो 68 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ओके, तो ये दो सम को आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट एंड हैव अ गुड डे, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, थैंक यू सो मच।